ये चिकन डिनर होने वाला है आईएनडी का। पहले मैच में बढ़िया ना खेल पाए हो, ये तीसरा चिकन डिनर होगा आईएनडी का चैंपियनशिप 3.0 में, बिकॉज चारों के चारों खिलाड़ी सर्वाइव कर रहे हैं, छह फिनिश पॉइंट उनके पास आ चुके हैं। रियोपी आई बिलीव जोन से ही एलिमिनेट होने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ 4 vs 4 एलिमेंट्री स्पोर्ट्स वर्सेज टीम आईएनडी। स्टैक ने भी यहाँ पर काफी अच्छी कोशिश करी, अगर अच्छे खासे फर्स्ट एड किट होते तो डेफिनेटली वो हील बैटल के लिए तो रुकने ही वाले थे, अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट अभी के लिए अगर बात करते हैं 4v4, एंड ये देखिए अभी के लिए शायद ये फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर हमें 4v4 का आखिरी में देखने मिल रहा है। फिनिशेस की अगर बात करें टीम एलिमेंट, देखिए उनके पास नंबर्स है, उनके पास यहाँ पर अभी के लिए एज तो जरूर था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे 14 मीटर उनको बस ट्रेवल करना है, साथ ही साथ यहाँ पर 10 फिनिश भी लेकर जा चुके हैं। अगर हम बढ़ेंगे टीम आईएनडी की तरफ, शायद उनको पता है किस जगह पे कौन से खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बट सभी चारों खिलाड़ी का पता होना बहुत ही जरूरी है टीम आईएनडी को। बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आतंक की कोशिश कर रहे हैं कि स्प्रे किया जाए, स्प्रे करके थोड़ा बहुत डैमेज दिया जाए, एंड वो डैमेज डील भी कर रहे हैं। अगर आप बात करेंगे प्रज्वल की एचपी लो की गई थी, इमीडिएटली फर्स्ट एड पुश इन करेंगे, एंड ये आप देख सकते हैं प्लेयर्स के पोजीशंस को। वेल, ड्रॉप का कवर यहाँ पे दलजीत को मिल सकता है, आतंकी को यहाँ पे रिज का भी कवर मिलेगा, लेकिन स्नैक्स की पोजीशन कंप्लीटली रिवील हो चुकी है। पान सिंह को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा, स्नैक्स यहाँ पे एक बेहतरीन नॉकआउट निकालते हैं। दिस माइट बी द नॉकआउट दैट वॉज नीडेड आईएनडी के इस विक्ट्री के लिए। जोन की अगर हम बात करेंगे, इट्स क्रीपिंग, आगे बढ़ना पड़ेगा टीम आईएनडी को, रास्ता यहां पे उनका सबसे बड़ा काटा होने वाला है इस विनर चिकन डिनर के लिए। एलिमेंट की टीम की अगर आप बात करेंगे, मैडमैन लेटे हुए हैं, स्नैक्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा। दिस 4v3 फाइट नीड्स टू बी टेकन विथ वेरी वेरी केयरफुल हैंड्स, एंड आप यूटिलिटीज देखिए कितना ज्यादा यहां पे बर्न किया जा रहा है, ग्रेनेड्स मोलोटोव्स गोइंग इन, एंड शायद यहां पे एलिमेंट के फ्लैग यहां पे जोन के बाहर इंतजार कर रहे थे, मैडमैन को नॉकआउट किया जाएगा, एंड इट्स अ विनर विनर। तो यहां पे गेट की किया जाए, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमर यहाँ पे एमजे का जो है नॉकआउट निकालने वाले हैं, 10 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोज रेंज फाइट यहाँ पे इंफेक्ट हो चुका है। एस्टेक के साथ गैलेक्सी रेसर्स का एक एक प्लेयर यहाँ पे जाने वाला है, फिर आता है एंड एस्टेक प्लेयर सर्वाइविंग इज अ टीम सोल पुलिंग अप दैट चिकन डिनर। एस्टेक के एक ही ओपी फाइनल प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रेनेड्स को किंग किया जा रहा है, द बुलेट्स आर रेनिंग एंड दिस फाइट इट इज टीम सोल पुलिंग अप द फर्स्ट। इनको नॉकआउट हो चुके हैं, वो हेल्प नहीं कर पाएंगे अपने टीममेट की, एंड आप देखिए दैट लिटिल स्पेस थ्रू द जोन हियर इंतजार किया जा रहा है, रेजरेक्शन रिवाइव किया जा रहा है, रेक्स का जो फिनिश है वो कंफर्म किया जाता है, टॉप डॉग गोइंग इन विद अ मैसिव स्प्रे, एंड अलादीन अभी भी इंतजार करने वाले हैं प्रिंस को, वो रिवाइव दे रहे हैं। 9014 स्टिल सर्वाइविंग, दिस मैप ऑफ मिरामार इज जस्ट ब्लोइंग द चार्ट्स ऑफ द रूफ, बिकॉज़ 8 सर्कल में आके भी यहां पर तीन टीम सर्वाइव कर रहे हैं। दैट वॉली वाज सो वेरी ऑन पॉइंट, दीस गाइस फ्रॉम 7 सीज आर ऑन फायर, ये पानी भी शायद इस आग से नहीं बचा पाएगा। So very good with the throwables and everyone in esports. Now we are down to two teams where the last man standing from